आप देख सकते हैं चना फ्राई बनाने के लिए हमें चना चाहिए। मैंने 2 कप चना दाल भिगा दिया, ये तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसे भिगा दिया। अब हम कुकर लेंगे, तो ये मैंने कुकर ले लिया, इसके अंदर मैं ये सारा दाल ऐड कर दूँगी। मैंने सारे दाल ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना पतला या गाढ़ा खाना हो। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही पानी डालूँगी। और इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी, देख सकते हैं मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ले लिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। अब मैं इसमें सीटी लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिया। इसे 2 सीटी हाई फ्लेम पे ले लेंगे और 1 सीटी लो फ्लेम पे ले लेंगे। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने, जब तक हमारा दाल में सीटी आ रहा है, वो गल रहा है, तब तक हम तड़का के लिए मसाले बता देती हूँ। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का 1 टमाटर ले लिया, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच अदरक पेस्ट और ये 1 तेज़पत्ता ले लिया, जिसे मैंने कैंची से कट कर लिया। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले लें, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 ले लें। और ये 4 मैंने साबुत हरी लाल मिर्च ले लिया और ये 1/2 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया और ये 1 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और ये मैंने 3 हरी मिर्च ले लिया, इसे मैंने 20 से कट कर दिया। तो इन सभी का हम बनाएंगे फ्राई करेंगे चना दाल फ्राई बनाने के लिए मसाला बनाएंगे। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने गैस ऑन कर दिया है कढ़ाई डाल के। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तेल बिल्कुल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम उसमें ये ज़ीरा डाल देंगे, ये लाल मिर्ची डाल देंगे और ये तेज़पत्ता डाल देंगे। सभी को डाल के चला लेंगे और ये हम हरी मिर्च भी डाल लेंगे। ऐसे हम 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। तो हल्का इनका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। ये 2 मिनट हो चुका है, इसमें से मैं ये लाल मिर्च और ये हरी मिर्च थोड़ा सा निकाल लूँगी ऊपर से तड़का लगाने के लिए। आप देख सकते हैं ये मैंने हरी मिर्च सारे निकाल लिए, लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लिए। ये देखें बाकी के ऑयल बचा हुआ जो, उसके अंदर हम अपना ये प्याज डाल देंगे। और थोड़ा सा भून लेंगे, जो ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, तो लाइट ही ब्राउन रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हल्की हमारी प्याज पिंक हो चुकी है। हल्की पिंक होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट। उसके बाद हम 1 मिनट इसे भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। आप देख सकते हैं फिर से हम भून रहे हैं। तकरीबन इसे चलाते चलाते 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक टमाटर चॉप किया हुआ और इसे चला लेंगे। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे नमक। आप ध्यान रखें कि नमक आपने दाल में भी डाला है, तो हम मसाले में
कम डालेंगे। तो ये मैं हाफ टी स्पून नमक डाल रही और इसे चला लेंगे अच्छी तरीके से। और टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हमें तीखा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा मिर्च ऐड कर रहे हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हैं हमारा टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है, इसे अभी हम थोड़ा सा और पका लेंगे। और हम इसे ढक के एक मिनट पका लेंगे, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा सिम सीटी हो चुका है, ये कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये किस तरीके का दिख रहा है, तो आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बट ये हमारा दाल गल चुका होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने इसे भिगा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, ये देखें बिल्कुल पिस चुका है। तो इसी तरीके का आप टेक्सचर रखें। अब जो हमने मसाला बनाया था वो इसे देख लेंगे। ये देखें, ये जो हमने मसाला बनाया था ये हमारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर हम सारे दाल को पलट लेंगे तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं अब हम इन मसालों में इस दाल को मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे पानी ऐड करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा दाल गल चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे करेंगे मिक्स। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, और हम जितना पतला चाहिए आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया मिक्स। अब मैं गैस ऑन करके इसे 5 मिनट पका लूँगी। ये तकरीबन 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ गया। आप इस स्टेज पे अगर पानी बढ़ाना चाहे तो पानी डाल सकते हैं, अगर आप इसमें नमक डालना चाहे तो नमक डाल सकते हैं। और आप इस स्टेज पर आकर आप इसे ज़रूर से ज़रूर एक बार चेक कर लें कि हमारा नमक मिर्च मसाला सब सही है या नहीं। तो ये हमारा फ्राई दाल, चना फ्राई दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करेंगे ऑफ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने पलट लिया बाउल में। अब जो हमने ये मिर्ची निकाले थे वो इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे इस तरीके से। और मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया पत्ता। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई चना दाल रेसिपी बिल्कुल तैयार है, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर बताएं, कमेंट करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको नज़दीक से दिखा सकती हूँ, देखो इसका कलर कितना बढ़िया आया, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और आप इसे चावल के साथ खाएं, आप इसे रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। थैंक यू सो मच माय वॉचिंग वीडियो।